ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम दर्शन करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक पवित्र स्थान के, सांची स्तूप के, जो भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक पहाड़ी पर है। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 1 और 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह स्थान भारत की प्राचीन पाषाण वास्तुकला का और बौद्ध वास्तुकला का नमूना है। पहले यहाँ प्रधान दिशाओं की ओर तोरण बने हुए थे और तोरण के साथ ही अशोक का स्तंभ था, जिसका निचला भाग देखा जा सकता है। ऊपर का भाग सांची पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में है। इतने भारी पत्थरों को इतने ऊंचे स्थानों में उस युग में लोग कैसे लाए होंगे, यह सोचने का विषय है। यह स्तूप सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया। फिर अग्निमित्र शुंग ने इसका जीर्णोद्धार करके इसे विशाल बनवाया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का ढांचा था, जिसमें महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को सम्मान देने के लिए प्रतीक रूपी छत्र था। इस स्तूप की ऊंचाई 54 फीट है और स्तूप का व्यास 120 फीट है। बाद के अलंकृत तोरण सातवाहन वंश द्वारा लगाए गए, उनके द्वारा बनवाए गए और भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और पाषाण आधारशिला भी सातवाहन काल की बताई जाती है। तोरण के ऊपर चक्र और उसके ऊपर श्री वत्स त्रिरत्न के साथ बने हुए हैं। पाषाण के ये तोरण काष्ठ की शैली में गढ़े गए हैं और ये महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जीवन की शैली दिखाते हैं। सांची स्तूप को संवारने में स्थानीय लोगों ने भी दान दिए। यहाँ पहले बौद्ध विहार भी थे। एक मुख्य बात यह है कि इन पाषाण की नक्काशियों में महात्मा बुद्ध को प्रतीक रूप में दिखाया गया है। कहीं उनके पदचिन्ह, कहीं बौद्धि वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहाँ उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इस स्तूप का निर्माण कार्य और विस्तार कार्य 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ यह स्तूप उपेक्षित होकर खंडित हो गया और खजाने की चोरी करने वालों ने भी इस पवित्र स्थान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांसीसी कंपनियां अपने संग्रहालयों के लिए यहाँ के तोरण द्वारों की प्लास्टर प्रतिकृति ले गईं। इस क्षेत्र में भोपाल की बेगमों ने इन स्तूपों के संरक्षण और
म्यूजियम बनाने के लिए काफी योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के शुरू में जॉन मार्शल की देखरेख में यहाँ जीर्णोद्धार हुआ और 1989 से यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सांची के स्तूप का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बताने के लिए आरबीआई ने 2017 में 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बनवाया। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिससे हम महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक के जीवन और भारतीय धर्म, संस्कृति, इतिहास में उनके योगदान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ऐसी ही सुंदर जानकारी के लिए और ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने बच्चों को भी दिखाइए कि हमारी विरासत क्या है, हमारी सभ्यता संस्कृति में क्या क्या हुआ। ओम नमः शिवाय।